stairways to Hidimba temple. ये सिद्धू, ये है सिद्धू आपकी मनाली की लोकल डिश है, नंबर वन डिश है, लास्ट है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो आज हमारा थर्ड डे है और हम जा रहे हैं हिडिंबा टेंपल एक्सप्लोर। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, मैं भी सही हूँ। और आज हमारा मनाली में सेकंड है तो हम जाएंगे हिडिंबा टेंपल के। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है भाई साहब, इतना ठंड है, कोई नहीं एक्सप्लोर करने आए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और मेरा जो ये बैग है, बैग का चेन खराब हो गया, इसको हम जा रहे हैं यहाँ पे सही करेंगे। अंकल जी बैग का चेन लग जाएगा जी, चेन लगा दो उसका, चेन खराब हो गया, टूट गया पूरा। अगर बैग का चेन वगैरह खराब हो जाता है या जूता वगैरह का सिलाई वाला यहाँ पे मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका जो बस स्टैंड है ना, मॉल रोड के अंदर एक बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है मॉल रोड के अंदर, ठीक है, तो उसका पास ही है ये दुकान वगैरह। ये है दिन का मनाली मॉल रोड, सालिया हाई ऑन लाइफ, अच्छा लगा। तो ये जो ट्रिप था ना माँ कसम, मस्त और पूरा एडवेंचरस ट्रिप था, बढ़िया लगा। ये कुछ तो पीछे उम्मीद और प्रीतम, ये है मॉल रोड। ये हिडिंबा टेंपल जाने का रास्ता, कुछ ऐसा है, बढ़िया है यार। सो वी आर एट हिडिंबा टेंपल। जितना हो सके लाइफ में एक्सप्लोर करो, घूमो, नए नए प्लेसेस एंजॉय करो, नए नए कल्चर एंजॉय करो, बढ़िया है। स्टेयरवेज टू हिडिंबा टेंपल। वाओ, हिडिंबा टेंपल क्या है? ये जो टेंपल है 1553 में बना हुआ है, ये टेंपल 50 बना हुआ है, महाराजा बहादुर सिंह ने ये टेंपल बनाया था, ठीक है। तो बहुत पुराना टेंपल है ये जो टेंपल है, एक्चुअली हिडिंबा नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ आपको, हिडिंबा टेंपल। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये टेंपल है, तो ये हिडिंबा टेंपल। बर्फ जम चुका है लेक के ऊपर, छोटा सा ही लेक है। अनंत रस फ्रूट जूस सेंटर, अच्छा फ्रूट जूस सेंटर है ये। हिडिंबा टेंपल के पास ही एक वन विहार है, मतलब घूमने के लिए फॉरेस्ट एरिया है, तो वो भी हम लोग घूम चुके हैं। शाम के 7 बजे हमारा बस से मनाली टू दिल्ली। और बैग वगैरह जो है, हमारा जो होटल है बहुत अच्छे इन चल रहे हैं, और मैं पहले और एक बार मनाली आया था तभी भी उसी होटल पे रुका, एंड हमारा जो बैग वगैरह है अभी भी उधर ही है, हम लोग बैग लेके नहीं आया, इवन हम लोग होटल चेकआउट कर लिए। इतना ठंड है ना, चाय के साथ बाहरों में, अभी हम सिद्धू ट्राई करेंगे, हिमाचली लोकल डिश है,
बहुत फेमस है लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आज करेंगे, अभी करेंगे। ये सिद्धू, ये है सिद्धू आपकी मनाली की लोकल डिश, ये मनाली का लोकल है और फेमस है, नंबर वन डिश है, ठीक है। यूट्यूब में भी इसका चैनल है, ठीक है, यूट्यूब में भी आप सर्च मार सकते हो, इसकी पूरी रेसिपी है, ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। क्या क्या डालते हो? ये है आपका क्या टेक बनता है, ठीक है, आमले से गूंदा जाता है, इसके अंदर स्टफिंग होती है, एप्रिकॉट की कुट्टी, अखरोट, लाना, प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्च और लोकल देसी घी और घर की तीन चटनियाँ, ये है आपकी अदरक लहसुन मिर्च की चटनी, ये है अखरोट प्याज टमाटर देने की चटनी, मोमोज भी है, नंबर वन है, और ये तो खत्म हो गई, अब लास्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। ये है सिद्धू, हम ट्राई करेंगे, ये चटनी है और ये सिद्धू है। मस्त है, अच्छा लगा, ग्रेट जो सर फीलिंग है, बढ़िया। चार चाय था और एक सिद्धू, 180 और सिद्धू बढ़िया था, हमारे लिए था। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जरूर आएगा। श्योर श्योर श्योर, आपको नीचे में जरूर मिलूंगी। अच्छा, नीचे आप शॉप लगाते हैं क्या? कोई नहीं, आपका नाम लेके किसी से भी पूछ लेंगे, ठीक है। मेरी दुकान का नाम ये है, ठीक है, सर्च भी मार सकते हो, यूट्यूब में भी है, महामाए हडिंबा दुर्गा लोकल डिश, सर्च भी मार सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, और चाय भी बढ़िया था, सिद्धू भी बहुत टेस्टी था। ये था हिडिंबा टेबल का रास्ते। Finally, we are going back to New Manali. ये है पंजाबी ढाबा, यहाँ पे हम लोग अभी अभी खाया। So, अभी हम निकल के रेडी हो चुके हैं दिल्ली के लिए, जाना है रूम, दिल्ली से फिर से जाना है गुड़गांव। तो बाय बाय मनाली, मनाली ने बहुत एडवेंचर दिया, है ना, ना है या नहीं, मनाली के लिए बहुत, और मनाली में बहुत एडवेंचर भी किया।